ड्राइवर। कहाँ ना हम तुम्हें छोड़ देंगे। देखो चिंता मत करो, तुम्हें वैसे भी कल जल्दी काम पर जाना है। उसे घर छोड़ देना, कहीं घूमते मत रहना। ये नहीं, ये नहीं। पता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है। ठीक है तो मैं चलती हूँ। चाहे ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम लोग हो। तुम लोग मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं, तुम चिंता मत करो। कहाँ तक जाना है? बस सीधे चलती रहो। पहुँच गए क्या? पहुँचने वाले हैं। और कितनी दूर जाना है? चलती रहो। हम कहाँ जा रहे हैं? अब खोलो, बैठ जाओ। ये क्या है? पहले बैठो तो। तुम्हें गिटार भी आता है? हाँ, मैंने इसे सीखा है। ओह, क्या सच में? अब इसे सुनो। जीजस में मेरी प्रियो है, मुझे नर जब मेरा को बुला, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ यू, क्यों कह गया क्यों बेबी, तुमने बहुत प्रैक्टिस की होगी ना? संघा बोलो ना। तड़ा तड़ा। अब ये क्या है संघा? तुम्हें पता है कैसे कहूं मैं? बात क्या है? मुझे तुम पसंद हो। ए, क्या तुमने क्या सोचा मैं फंस जाऊंगी? हाँ आज अप्रैल फूल है ना, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ प्रैंक करना चाहते थे? तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ, कितने बुरे हो तुम। तुम्हारी तो संघा सो रही हो क्या? पता है अप्रैल फूल के दिन मुझे मेरी कॉन्स्क्रिप्शन नोटिस मिली थी, इसीलिए मैं तुम्हें रुकने के लिए कहना चाहता था। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हें अभी पता चला, जबकि मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 सालों से हूँ।
क्या जॉब इंटरव्यू? ओ मैं भूल गई, नहीं मैं उठ गई थी। तुम ठीक तो हो ना? फोन काट दिया? मुझे यकीन है सब ठीक होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं सुआ शिन की पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं? उनकी रिक्वेस्ट थी एक और पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ये कैसा बचपना है, अगर कुछ कहना है तो मेरे सामने कहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सर्ट के हादसे के बाद हमारे बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। मुझे भी अजीब लगा, पर ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी सर्विस अच्छी लगी। तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला है। अच्छा वैसे तुम्हारी वो जंपिंग गर्ल कैसी है? इतनी अच्छी नहीं पर ठीक है। तो अब फिर से उसे आशिन सीओ के पास मत जाने देना। अगर उसने फिर से ऐसा किया तो फिर मैं समझ रही हो ना तुम? अब जाओ। मेरे स्कूल के पास वाली कॉफी शॉप को पार्ट टाइम वर्कर्स की तलाश है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है, अच्छा काम करके दिखाना। ओके, गाउल ने ओनर से बात कर ली है, मैं ये जॉब पाकर ही रहूंगी। गॉगल्स उतारो, इन्हें उतारो। अजीब है, उसने कहा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम इतनी यूनिक नहीं लग रही। नहीं मैं यूनिक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो गंदा सा स्कार्फ उतार दो और अब जाओ यूनिफॉर्म पहन कर आओ। क्या, कौन सा यूनिफॉर्म? क्या यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? बिल्कुल है, हमें हर एक कस्टमर को एलिसीज टी टाइम पर बुलाना है और उन्हें एक जादुई दुनिया की सैर पर ले जाना है। जाओ चेंज करके आओ, जाओ। ओके। ये कैसी अजीब परियों वाली ड्रेस है, क्या यही वो यूनिफॉर्म है? लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने वर्कर्स को लोग आसानी से नहीं पहचान पाते, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म का कमाल। ठीक है, मैं परी दिखूं या चुड़ैल मायने नहीं रखता, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। पर क्या ये कपड़े मुझे दुनिया की नजर से बचा पाएंगे? क्या ऐसा होगा? हमें इसे ट्राई करना चाहिए। हाँ। एक्सक्यूज मी, मेनू देना जरा। चलेगा। ये वाला? हाँ चलेगा, मुझे ये बहुत पसंद है। पता है, एक रेड टी, एक हर्बल टी और एक स्कोन और मैक्रोनी प्लीज। तो ठीक है, मैं आपका ऑर्डर फिर से दोहराती हूँ। एक ऑरेंज पकी टी और ब्लिंग ब्लिंग मैक्रोन सेट और एक परियों का बनाया हुआ जादुई स्कोन। सही कहा ना? मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं जब भी ऑर्डर लेती हूँ मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि कोई मुझे पहचान नहीं पाता और मैं अपना काम आसानी से कर पाती हूँ। तुम बताओ। ये वाला? हाँ। मुझे इस केक के दो पीसेस चाहिए, एक ब्लूबेरी स्कोन और एक मैक्रोन सेट और एक चाव पेस्ट्री। इतना अकेले खाओगी? मुझे लगा तुम डाइट पर हो। खाने के मामले में कंजूस मत बनो,
एक तो मैं अपसेट हूँ, मेरा वजन भी नहीं घट रहा है। वजन मेरी वजह से बढ़ा क्या? तो हम यहाँ क्यों आए? मैडम आप ठीक तो है ना? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं उसे क्या मतलब? किसी लड़की से ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं। देखो तुम एक वेट्रेस हो और अपना काम करो। और ये क्या है, अजीब से कपड़े पहने हैं, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? ओके आई एम सो सॉरी सर। जरा रुको, मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या? हम पहले कहीं मिले हैं? हाँ सही कहा, मैंने भी इन्हें पहले कहीं देखा है। ये तो वही ठरकी है ना, वही जंपिंग गर्ल। कैसा लगा आपको? हेलो सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे आज नौकरी छोड़नी होगी। आप मुझे पैसे भी मत दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? गुड बाय सर। हे हे रुको, हे उसे लेकर तुम कहां जा रही हो? सॉरी, पीजिए पीजिए। अरे तुम ठीक हो ना? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप जाइए, प्लीज जाइए। शायद नशे में है। मुझे तो पागल लग रही है। मुझे लगा था मुझे आदत हो गई है, पर शायद ऐसा नहीं था। चलो तुम्हें नौकरी तो मिल गई ना, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पर क्यों? वो कमकल मुझे नौकरी पर क्यों रखना चाहता है? मेरे कान में खुजली हो रही है। मेरे कान में खुजली हो रही है, ये क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे याद करने की कोशिश कर रहा है? शायद वो बदला लेना चाहता है क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूं ना। लगता है सांगा ने अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया है, शायद वो प्रेशर नहीं संभाल पाई। शायद इस जगह पर मैं गलत था, बेचारी। सुनिए मिस, मिस क्या आप अंदर हो? मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। तुम मेरा किराया कब देने वाली हो? बताओगी मुझे? बात तो करो। ये तो हमेशा टाइम पे करती है, पता नहीं क्या हो गया। दूंगी, इतना भी ज्यादा नहीं है। सच में मेरे पास सिर्फ एक नोट कम है। आप इस बार चिकन भेज देंगे, मैं अगली बार
दिन में 3 बार खाना भी मुश्किल हो गया है। सोचा नहीं था कभी ऐसी भी नौबत आ जाएगी। मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे? लेकिन हारने वाला नूडल्स खिलाएगा। ठीक है, लेकिन हारने पर रोते हुए भाग मत जाना। हाँ बिल्कुल नहीं। वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मैं जीत गई। हे, एक और गेम खेलते हैं, चलेगा? और एक गेम? तो फिर स्वीट एंड सॉर पोर्क। कोई खाना तुमसे छीन कर नहीं लेके जाने वाला, आराम से खाया करो। मुझे यहीं से नूडल्स मंगवाने चाहिए, कितने टेस्टी है ये। ओ, मजा आ गया, कमाल है ये। मैंने तुम्हारे जैसी अजीब लड़की नहीं देखी। आप लोग फिर कभी खेलना चाहेंगे? सुनो, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, तुम्हारे पास जॉब तो है ना? हाँ बोलो गाउल। तुम मेरी बीवी हो क्या? मेरे लिए सूप बना कर लाए हो? मैं पहले ही ब्लैक बीन नूडल्स खा कर आई हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि कॉफी शॉप इतना बुरा था, मुझे देखने में वो कैफे अच्छा लगा। कौन नहीं कहेगा तुम एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो, या कह सकते हो वो जगह मेरे स्टाइल की नहीं थी इसीलिए। सॉरी, तुम मेरी वजह से वहां पर गई। कोई बात नहीं, आजकल लोगों से बात करना मुश्किल हो गया है। फिलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन शायद वक्त के साथ हालात सुधर जाएं। जरूर। हे, मुझे इस तरह से मत देखो, लोगों को लगेगा मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। तुम तो जानते हो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। हाँ, मेरी दोस्त ऐसी ही है, उसका नाम है सांगा। तो मैं क्या कह रहा था, तुम मेरा एक काम कर सकती हो?